मुंबई बीजेपी द्वारा आयोजित 15 मई को हिंदी भाषित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज ठाकरे, राम मंदिर, राणा दंपत्ति, शिवसेना और बीएमसी को लेकर कई बातें की। हमारे रिपोर्टर प्रीतम सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट द्वारा ये सारी जानकारी दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के बीजेपी कार्यालय और ठीक मेरे पीछे आप बीजेपी का जो कार्यालय है, मुंबई का कार्यालय, वो देख सकते हैं। और यहीं पर कुछ समय पहले जो है मुंबई प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष थे मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और 15 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। 15 मई को जो है हिंदी भाषित सम्मेलन कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर आज उन्होंने जो है जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अपने बातों में। 15 मई को मुंबई के सारे हिंदी भाषी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत की कड़ी बिहार की जीत से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में हम जीते, उत्तरांचल में जीते और माननीय देवेंद्र जी ने पूरे समय वहां पर रुककर गोवा के अंदर एक अविस्मरणीय विजय हासिल की। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं सबके मन में था माननीय देवेंद्र जी का हम अभिनंदन करें। हमने 15 मई को माननीय देवेंद्र जी का अभिनंदन का कार्यक्रम एक महीने पहले तय किया। सबको मिलकर देवेंद्र जी का स्वागत करना है और देवेंद्र जी को अपने कार्यकर्ताओं से बात करना है, तो संबोधित करें। हाँ, देवेंद्र जी का ही प्रमुख भाषण देवेंद्र जी सभा को संबोधित करें। जो नवाब मलिक जी ने दाऊद इब्राहिम के साथ में मिलकर किया वो रुक जाए तो वास्तव में मुंबई के हिंदुओं को सुरक्षा का एहसास आएगा। सभी सरकारों के, भारत के सभी स्टेट्स के यहाँ पर कार्यालय हैं, उत्तर प्रदेश भी कार्यालय खोल रहे हैं तो उसमें खुश होना चाहिए। उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को सहकार मिलेगा, उनको फैसिलिटी मिलेगी, इसमें आनंद की बात है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। राम मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, 12 साल उसका आंदोलन चला था, सारे देश के हिंदुओं ने मिलकर किया था। तब हिंदुओं पर गोली बरसाने वालों के साथ में कौन था और उसके बाद में आज जब मंदिर बन के खड़ा हो रहा है तो अच्छा है, सबके मन में राम आ गया, भारत के हिंदुओं के लिए बहुत आनंद की बात है। चार राज्यों के चुनाव के जीत के चलते हिंदी भाषा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि रहेंगे और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में समारोह होगा। समारोह में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा सत्कार भी किया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।